जो भी कर्म हम साधारण या नेगेटिव संकल्प से किया हुआ, वो सारे कर्म बंधन की लिस्ट में आते हैं। देखो, कभी कोई काम करने को वो काम करने वाली बहन आई नहीं और संकल्प चलते गए क्रोध के, तो काम भी हो रहा है, क्रोध भी हो रहा है, तो वो सब क्या बन रहा है? कर्म बंधन बनता जा रहा है। कैसे कैसे छोटे छोटे नॉर्मल एक्शंस हमारे कर्म बंधन की लिस्ट में जाता जा रहा है। फिर हम कहते, बहुत मेरा ना कर्म बंधन बहुत कड़ा है इस आत्मा के साथ। किसने क्रिएट किया? इस आत्मा के साथ बहुत कड़ा कर्म बंधन है, पता नहीं क्यों नहीं मानता है ये। मैं कितना बोलती हूँ ये मानता नहीं है, लेकिन ये एक एक संकल्प जो करते गए वो स्ट्रॉन्ग करता गया कर्म बंधन। तो अब इससे कर्माती बाबा ने क्या किया, यही कर्म बंधन थे जो भी, पर उसको सबको चेंज किया बाबा ने साकार में। तो कर्म, हर कर्म बंधन को चुकतू करना, चलो कम हुआ, आज उसने मुझे बहुत जवाब दिया, क्या कहेंगे? चुकतू हो गया, इतना लेना था और कम हो गया, आज वो काम पे नहीं आई, तो क्या था संकल्प? क्या चले, संकल्प की बात है ना, कार्य तो हो जाता है, पर जो उसके पीछे का जो रिटेन हो रहता है ना मेमोरीज में, वो हमारे संकल्प रहते हैं। तो ये चुकतू की नेचर, चुकतू की फीलिंग। और दूसरा है, हर संकल्प के श्रेष्ठ शुक्रिया वाला, देखो या तो शुक्रिया या शिकायत, बाबा कर रहा है और चलो हो गया हो गया, तो कितनी हर संकल्प में जितनी बार वो आएगा, ये श्रेष्ठ, बहुत अच्छा हो गया हो गया, तो हर कर्म बेस्ट ही हो रहा है, ये फीलिंग। हर संबंध संकल्प में थैंक्स वाला है, इसके तीन बातें हैं, चार तो दो बातें, हर कर्म बेस्ट ही हो रहा है, सॉरी थैंक्स वाला बाबा कर रहा है, और तीसरा हर कर्म बेस्ट ही हो रहा है जो भी हो रहा है, और हर संबंध में नो कंप्लेन वाली। कोई संबंध में कंप्लेन है हमारी? संबंध और कंप्लेन ना हो, ये जीवन किसका है? किसी का नहीं है। अभी भी नहीं मतलब वही है ना, कि पता है ये कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी दिल में है, दिल में नहीं है, उस आत्मा में है, मेरे दिल में नहीं है। हाँ मुझे पता है मुझे उसको हेल्प करनी है, तो और हर पेनी मैं ट्रस्टी बाबाज बॉक्स। कल भी, पिछले हफ्ते भी, कल भी बाबा ने कहा बार बार ये संकल्प की एक एक कौड़ी बाबा ने यज्ञ में सफल किया, क्योंकि उस कौड़ी से, धन से बहुत बड़ा बंधन भी क्रिएट होता है। धन एक ऐसी चीज है, तो अगर ऐसे कर्म अच्छे हैं, लेकिन अगर धन में कुछ ऐसा हमने किया, वो कर्म बंधन, वो बंधन क्रिएट किया, तो वो धन उस आत्मा के वृत्ति को खींचेगा। जैसे हमने रॉन्ग नहीं देना चाहिए, बाबा की श्रीमत है, लोन नहीं देना चाहिए, हमने दे दिया बिना श्रीमत लिए, तो अब क्या हो गया? और वो आत्मा ने रिटर्न नहीं किया, क्या करेंगे? बार बार वो संकल्प चलाते जाएंगे, तो उसका कर्म बंधन क्रिएट किया ना उस आत्मा के साथ बार बार। बाबा ने पहले ही मना किया था, तो इसलिए हर पैनी एक कर्म बंधन भी हो सकता है, चुकतू करने वाला भी हो सकता है, तो ये फील करना। इसलिए ट्रस्टीशिप का बहुत एक अच्छा तरीका होगा कि नहीं, बाबा का है इसलिए मैं नहीं यूज कर रही हूँ, इस तरह इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा है बाबा का है। दूसरे के बच्चा भी ना, आप ऐसे वैसे उसको डांटोगे भी नहीं, दूसरा का बच्चा भतीजा रहता है ना आपके साथ,
और अपने वालों को डांटोगे तो बाबा का समझने से ये फायदा होगा। तो यही होमवर्क है, कर्म बंधन मुक्त आत्मा वो ये होगा चलता फिरता फरिश्ता। बंधन बड़ाई नहीं, ये बहुत डीप प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी कर्म बंधन, किसी के साथ भी बड़ाई नहीं। दो बार बार चेक करना है, ये तो बहुत डीपली इनग्रेन करना है ना। अब ने पूरा डायमंड वर्ष बोला है तो 20 टाइम्स का तो एम रख सकते हैं। 2 PM फॉर्मूला, 10 बार 20 बार सोचो, 20 बार भी अच्छा है, और बाद में 2 बजे के बाद। इजी है, होमवर्क हो रहा है, सिंपल है ना होमवर्क, कुछ है ही नहीं।